हेलो दोस्तों, मैं जीवन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो नई जानकारी को लेकर के। जैसा कि मेरे वैली भाई हैं वो आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं, या फिर जो मेरे वैली भाई जिनका आधार कार्ड का काम काफ़ी दिन से रुका हुआ है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका आधार कार्ड का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो डॉक्टर दिनेश त्यागी जी हैं, जो CEO हैं SCSC के, उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है और क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी चाहिए, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लगातार अपडेट रह सकें। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं कि क्या कुछ जो CSC SPV श्री दिनेश त्यागी जी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो जो हमारे वैली भाई थे, जो गांव के ज़्यादातर जो वैली भाई थे, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी जो आधार कार्ड सेंटर लेने में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैटिक IP की। उनको स्टैटिक IP लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि उनके पास वाईफाई होने के बाद, उनके पास इंटरनेट होने के बाद, सब सुविधाएं होने के बाद भी वो स्टैटिक IP को नहीं ले पा रहे थे। जिनके पास BSNL का कनेक्शन था या फिर जिनके पास वाईफाई चौपाल था, सिर्फ वही स्टैटिक IP को एक्टिवेट कर पा रहे थे और आधार कार्ड के काम को आसानी से कर पा रहे थे। बाकी जो CSC वैलीज थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ स्टैटिक IP को लेकर के आ रही थी। तो इसको रिमूव करने के लिए जो दिनेश त्यागी जी हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी लगातार विभाग के साथ बात चल रही है और रिमूव करने की दिशा में इसके काम चल रहा है, और इसको बहुत जल्द शायद रिमूव भी कर लिया जाएगा और इस पर सहमति बनने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो में जो दिनेश त्यागी जी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरी जानकारी आपको ध्यान से देखनी है, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझिए कि क्या कुछ दिनेश त्यागी जी द्वारा कहा गया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। तो चलिए चलते हैं रिकॉर्डिंग पे। मैं आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आज हम इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, किस तरीके का काम उन्हें करना चाहिए, उन्हें गाइड करें और किस तरीके से वो सही सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक्सीडिंगली वेल। और समस्याएं हैं, जैसे एक सबसे बड़ी समस्या हमारी थी कि हमारा आधार का काम बंद कर दिया गया था। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे VLEs को बहुत तकलीफ हुई जब आधार के काम को सडनली सरकार ने बंद कर दिया। तो हमें तो उम्मीद रहती है कि हम अपने VLE के लिए कहीं भी लड़ दड़ के कुछ ना कुछ कराएंगे, और हुआ ऐसा ही। हमने फिर कोशिश की कि कोई मिडिल पाथ ढूंढे। तो फिर हमने सरकार को कन्विंस किया कि जो CSC बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट है, आप उनको अलाउ कर दो शुरू में। तो वो एग्री किया गया। तो उन्होंने कहा कि 15,000 CSC को शुरू में हम UCL आधार अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हमने शुरू किया। उसमें एक तकलीफ वो IP एड्रेस की है। हमने फिर उनको बोला है कि ये IP एड्रेस वाली कंडीशन आप वेव कर दीजिए। तो अभी नए CEO आए हैं, उनको बताया गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो अगर IP एड्रेस वाली कंडीशन भी वेव हो जाती है तो फिर हमारे को जितने भी हमारे CSC पहले 15,000 और फिर जितने अदर दूसरे BCs हैं उन सबको हमें UCL का काम देने में समर्थ मिलेगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं। The idea is CSC की तकलीफ हमें सब पता है, लेकिन हमें काम कराने के तरीके में कभी कभी डिले हो जाता है। कई बार सरकार अपने तरीके से करती है, डिपार्टमेंट्स हैं वो सोचते हैं कि उसे तरीके से करेंगे, और कुछ उनको फीडबैक भी कई बार गलत मिल जाता है कि CSC में ठीक से काम नहीं होता है। तो उस फीडबैक को रिमूव करने में हमें थोड़ा वक्त लग जाता है। हमें तो पता है हमारे बच्चे सब अच्छा काम करते हैं, दे डू एक्सट्रीमली वेल, तो हम आधार का काम करेंगे। अभी रिसेंटली एक मीटिंग जब हमारी CEO से हुई उनके, तो उन्होंने कहा है कि सारी पंचायत में जितने भी CSCs हैं उसमें हम अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके। वो UCL टाइप नहीं होगा, वो दूसरा सिस्टम है। तो हमने उनको प्रपोजल बना के भेज के दिया है, एंड इफ दैट हैपेंस देन ऑल द 250,000 पंचायत विद द CSC एग्जिस्ट विल बी एबल टू डू the update facility, at least for few update which can be allowed through the online system. इसमें documentation को, documents को रखने की या documents को भेजने की जरूरत नहीं होगी, and it can be done very systematically through their own system. उसे हम अपने system में integrate करेंगे। Initially तो उन्होंने हाँ बोला है, अब देखने कितना वक्त लगता है। तो ये आधार की जो परेशानी है जिसमें हमें 1-2 साल लग चुके हैं, और हम मालूम है हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है आधार की वजह से, and we will be able to try and get a solution to it. नहीं तो अभी 15,000 BC हैं, अगर हम 15,000 BC complete कर लेते हैं then we can have all, because अभी हमारे जो BCs हैं हमारे देश में वो करीब 70,000 से ज़्यादा हैं, 75,000 के करीब BCs हैं। तो हम 15,000 से फिर 75,000 CSCs को वो enable कर सकते। तो any of the thing जो भी हमें मिलेगा शुरू में वहाँ से शुरू करेंगे, but end of the day
ऑब्जेक्टिव वही है कि हर एक सीईसी को आधार अपडेट का काम मिलना चाहिए।